हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा और पीडी रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही टेस्टी यमी रेसिपी, गोभी मंचूरियन। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज और स्प्रिंग ओनियन, इसका पिछला और ऊपर का हरा हिस्सा दोनों भी हम यूज़ करेंगे, और शिमला मिर्च जिसको हमने छोटे टुकड़ों में काटा है। इसी के साथ हमें चाहिए होगा चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा। तो ये जो गोभी है इसको हम इस तरह से काट लेंगे, इसके फ्लोर्स अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें बड़े बड़े टुकड़ों में गोभी को काटना है। इसके बाद इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे और इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप नमक डाल सकते हैं। अब ये जो गोभी के फ्लोरेट्स हैं, गोभी के टुकड़े हैं, इसे हमें इस पानी में डालना है। इसे हमें अच्छे से उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50% उबालना है। तो हम क्या करेंगे कि जब पानी में अच्छा उबाल आ जाए तो उसके बाद हम बस 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। सिर्फ 50% हमें पकाना है और उसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो ये देखिए, हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इसे उबाला है और उसके बाद इसका हमने पानी निकाल लिया है। अब ये मंचूरियन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए अब मंचूरियन के फ्लोरेस पर कोटिंग करने के लिए हम एक पेस्ट तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर मैदा, मैदा हमने लिया है 3 चम्मच। इसी के साथ हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर भी लगभग मैदा के बराबर ही है, थोड़ा सा कम है, तो हमने यहाँ 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा, चावल का आटा से भी बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब चावल का आटा डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सारी सामग्री कितनी लेनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हमें इसमें कलर नहीं मिलाना है, इसी से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये सारा हमने अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमें पानी मिलाना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका हमें गाढ़ा घोल बनाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही पानी आप मिलाइए, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है, एक गाढ़ा सा घोल बनाना है और उसमें हमें गोभी के जो फ्लोरेट्स है उसको इसमें मिलाकर कोट करना है। तो ये देखिए, ये बढ़िया घोल बन गया है। अब इसमें हमने जो हाफ बॉईल करके फ्लोरेट्स रखे थे उसको हमने इसमें मिला लिया और अच्छे से इसे कोट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, हाई हीट पर तेल गरम करना है। अब इसमें एक एक करके ये जो घोल में डूबे हुए फ्लोरेट्स हैं ये डालते जाएंगे, जब एक तरफ से पक जाए तो इसे पलट देंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर है और मैदा है, तो इससे ये क्या है, आपस में थोड़े चिपकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, ये थोड़ी देर में खुद ही अलग हो जाते हैं। तो जब एक साइड से पक जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे और अब इसे हम निकाल लेंगे। याद रखिएगा, हमने हाफ फ्राई ही करके निकाला है, इसे बहुत क्रिस्पी नहीं किया है। तो इसी तरीके से ये जो हमने हाफ फ्राई करके निकाल लिया, इसी तरीके से बाकी के सारे फ्लोरेट्स भी आप हाई हीट पे इसे फ्राई करके निकाल लीजिए। तो ये देखिए, ये हमने हाफ फ्राई करके निकाल लिया है। तो ये सारे जो है फ्लोरेट्स हमने हाफ फ्राई करके ही निकाल लिया है। अब इसे हम
दो मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब दो मिनट के बाद जो तेल है कढ़ाई में, इसको फिर से गर्म करेंगे, बहुत हाई हीट पर गर्म करेंगे। और ये जो हमने हाफ फ्राई करके जो फ्लोरेट्स निकाले थे, इसको अब हम फिर से फ्राई करेंगे। और अब की बार हमें इसे बहुत ही क्रिस्पी फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये कह रहे होंगे कि एक ही बार में फ्राई क्यों नहीं कर लिया, वो इसलिए कि इसे हमें अंदर से अच्छे से पकाना भी है, कुक भी करना है, और ऊपर से एकदम से हमें क्रिस्पी भी करना है। तो अगर हम हाई हीट पर अगर ऊपर से बहुत अच्छे से हम क्रिस्पी फ्राई कर ले, तो अंदर से ये अधपका रह जाता है और उतना इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आता। तो आप ये हमारी टेक्निक ज़रूर अपना कर देखिए। एक बार आप हाफ फ्राई करके निकाल लीजिएगा और दो मिनट ठंडा होने के बाद इसे फिर से फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, जब हमने दोबारा फ्राई किया है, बहुत ही क्रिस्पी बन गया है। तो इसी तरीके से सारे जो है फ्लोरेट्स को बढ़िया फ्राई करके निकाल लीजिए। इसमें देखिए हमने कोई कलर भी नहीं मिलाया है, फिर भी ये बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया है। आइए अब एक कढ़ाई में अच्छा तेल गर्म करेंगे। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक। इसे थोड़ी देर तक हम स्टर फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्चें, इसे हमने लंबे टुकड़ों में काटा है। अब डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, इसे करीब एक मिनट तक हम पकाएंगे। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ओनियन, ये ओनियन का पिछला हिस्सा है। इसी के साथ डाल देंगे हम शिमला मिर्च, और इसे हमें बस एक मिनट तक फ्राई करना है। तो ये शिमला मिर्च को एक मिनट तक हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब वक्त है सॉस इसमें लाने का। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच रेड चिली सॉस, इसी के साथ हम डाल देंगे सोया सॉस। तो यहाँ हमने सोया सॉस लिया है दो चम्मच। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे विनेगार, विनेगार लिया है हमने दो चम्मच। इसे अच्छे से मिला देंगे, गैस की फ्लेम मीडियम पर है, तो इसे अच्छे से मिला देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें दो चम्मच टोमेटो सॉस। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक, नमक बहुत थोड़ा सा ही लेना है। इसे अच्छे से मिला देंगे। और अब डालेंगे इसमें हम काली मिर्च का पाउडर, तो थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर मिला देंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये है कॉर्नफ्लोर, तो दो चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम घोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसका हमने घोल बना लिया। अब ये जो कॉर्नफ्लोर का हमने घोल बना लिया है, इसको इस कढ़ाई के मिश्रण में डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे, बस हमें इसे 10 सेकंड चलाना है, बस अच्छे से मिल जाए। और इसके तुरंत बाद हम इसमें फ्राई किए हुए गोभी के फ्लोरेट्स मिला देंगे। अब इन फ्लोरेट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सॉसेस हर एक फ्लोरेट्स को अच्छे से कोट हो जाए। तो इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हर एक फ्लोरेट को बिल्कुल सारे सॉसेस वगैरह का सारा स्वाद उसमें लग जाए। और अब हम ऊपर से डाल देंगे स्प्रिंग ओनियन, ये स्प्रिंग ओनियन का ऊपरी हरा हिस्सा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म गोभी मंचूरियन तैयार है। इसे बिल्कुल गर्मा गर्म ही सर्व करना है। तो आइए ये डिलीशियस यमी गोभी मंचूरियन जो कि तैयार हो गया है, इसे हम सर्व करते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी, कितनी बढ़िया दिख रही है, बहुत अच्छा कलर है। कोई भी हमने आर्टिफिशियल कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे गार्निश कर देंगे हम
बढ़िया, स्प्रिंग ओनियन से। और लीजिए, गर्मा गर्म डिलीशियस यम्मी गोभी मंचूरियन तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।